हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनाटॉमी होता क्या है और ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम एक मेडिकल फील्ड की बात करें तो अगर आप बड़े से बड़ा एमबीबीएस से लेकर छोटे से छोटा कोई पैरामेडिकल का डिप्लोमा तक करते हो तो एनाटॉमी आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और डिप्लोमा में तो ये एक मेन सब्जेक्ट मिलता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, देखिए अगर कहीं ना कहीं हम कोई भी मेडिकल कोर्स करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर करते हैं, मतलब एक तरीके से हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइफ बचाते भी हैं और लाइफ के ऊपर काम भी करते हैं। तो एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर हम ह्यूमन बॉडी के बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट है उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर बोन के बारे में पढ़ाया जा सकता है, किसी ऑर्गन के बारे में, मतलब उस बोन ऑर्गन या बॉडी पार्ट के जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसका कितना वेट है, तो उस चीज़ को हम एनाटॉमी कहते हैं, उस चीज़ को हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए आप BRIT कर रहे हो, रेडियोलॉजी कोर्स कर रहे हो, रेडियोलॉजी करने के बाद आप एक्सरे करोगे किसी पार्ट का, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए वो बॉडी पार्ट या वो ऑर्गन, वो बोन दिखती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी तो आप उसका उस पेशेंट का या जो भी आपके पास एक्सरे कराने आएगा, MRI कराने आएगा, आप उसका तभी तो किसी अच्छे तरीके से MRI करोगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।